बॉलीवुड में गोविंदा की एक्टिंग और उनके डांस के बारे में तो सभी जानते हैं। उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से बॉलीवुड में काफी समय तक राज किया। इसके अलावा अगर बात करें उनकी कॉमेडी की तो उनकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। उन्होंने अपने समय में काफी कॉमेडी फिल्में भी की जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया। बता दें गोविंदा की उम्र अब 54 साल हो गई है। अपने करियर में उन्होंने करीब 165 फिल्में की हैं और उन फिल्मों से उन्होंने खुद को लोगों के सामने इस तरह से रखा है कि अब वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका बेहतरीन डांस आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोविंदा ने अब तक 12 फिल्म फेयर जीते हैं। चलिए ये तो हुई उनके फिल्मी करियर की बात, लेकिन अब बात करते हैं उनकी लव लाइफ की। बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेस का एक दूसरे के साथ नाम जुड़ना कोई नई बात नहीं है। गोविंदा ने 80 से 90 के दशक में काफी फिल्में की हैं और उसी दौरान उनका नाम बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस नीलम कोठारी के साथ भी जुड़ा था। खबरों की माने तो ये कहा जाता है कि है गोविंदा नीलम के प्यार में पड़ गए थे। दोनों की जोड़ी को भी फिल्मों में काफी पसंद किया जा रहा था, जिसके बाद से ये दोनों बहुत सी फिल्मों में साथ काम करते देखे थे। वैसे दोनों की पहली मुलाकात भी फिल्म इल्जाम के सेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। ये फिल्म रिलीज होने के बाद सुपरहिट रही थी। गोविंदा और नीलम के प्यार के काफी चर्चे होने लगे थे। साथ ही गोविंदा प्यार में इतने दीवाने हो चुके थे कि वो नीलम को किसी और एक्टर के साथ भी नहीं देख पाते थे। हालांकि गोविंदा की मां को ये रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहती थी गोविंदा की शादी डायरेक्टर अनिल सिंह की पत्नी की बहन सुनीता से हो। गोविंदा की मां को सुनीता काफी पसंद थी। न्यूज अपडेट की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।